हमारी प्याज और टमाटर की चटनी यहाँ पे बनके तैयार है। खाने में ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। आप इसे गेहूं की रोटी के साथ, ज्वारी की रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, या आप इसे प्लेन राइस के साथ भी खा सकते हैं। जो हमने इसमें ज़्यादा तेल डाला है वो प्लेन राइस के साथ खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो आप इस तरीके की चटनी अपने घर में एक बार ज़रूर बनाइए, खुद भी खाइए, अपने पूरे परिवार को भी खिलाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे फासूमा किचन चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों, हमारे फासूमा किचन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं प्याज और टमाटर की चटनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है खाने में और बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार हो जाती है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं प्याज कटे हुए। प्याज को हमने अच्छे से स्लाइस के रूप में काट लिया है। और ये हमने 3 बड़े टमाटर लिए हैं कटे हुए। हरी मिर्च 4 से 5 हमने कट करके ले ली है बड़ी बड़ी। और ये हमने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है कटा हुआ, जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने गैस ऑन कर लिया है, एक पैन रखेंगे गैस पर और पैन को हम गर्म होने देंगे। पैन हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हम तेल डाल देंगे। तेल हम थोड़ा सा ज़्यादा इसमें रखेंगे तो तेल को अब हम गर्म होने देंगे। तो देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। तो 1/2 चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरे को अच्छे से तड़कने देंगे। जीरा अच्छे से तड़क कर हमारा ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज को हम अच्छे से तेल में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च भी प्याज के साथ ही डाल देंगे और इसे भी हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। प्याज को हम 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। इसे हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस इसे सॉफ्ट कर लेना है हमें। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, प्याज हमारे अच्छे से यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी हम अच्छे से मिक्स करके सॉफ्ट कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट इसे हम अच्छे से पका लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हमने कर लिए है। तो अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, जो कि हम 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, जो कि अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिए, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है तो ये हम सिर्फ थोड़ा सा कलर के लिए डालेंगे। तो 1/2 चम्मच से भी कम हमने लाल मिर्च पाउडर डाली है। और ये हम डालेंगे नमक, जो कि स्वाद के अनुसार हम डालेंगे। और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने मसाले इसमें अच्छे से मिक्स कर लिए है। अब हम इसे ढक देते हैं और मीडियम फ्लेम पर इसे हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए अब 4 मिनट हो चुके हैं, हम ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया से जो है चटनी हमारी यहाँ पर प्याज और टमाटर की बनकर तैयार है। इसे बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ही फटाफट ये बनकर रेडी हो जाती है। तो अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया कटा हुआ। धनिया थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, बहुत ही बढ़िया सा लगता है धनिया चटनी में अगर ज़्यादा थोड़ा सा डालते हैं तो। इसे हम अच्छे से अब मिक्स कर लेते हैं और गैस हम ऑफ कर देंगे। तो देखिए अब हम चटनी को इस तरीके से प्लेट में निकालेंगे और सर्व करेंगे। अब हमारी प्याज और टमाटर की चटनी यहाँ पे बनके तैयार है। खाने में ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। आप इसे गेहूं की रोटी के साथ, ज्वारी की रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, या आप इसे प्लेन राइस के साथ भी खा सकते हैं। जो हमने इसमें ज़्यादा तेल डाला है वो प्लेन राइस के साथ खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो आप इस तरीके की चटनी अपने घर में एक बार ज़रूर बनाइए, खुद भी खाइए, अपने पूरे परिवार को भी खिलाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे फासूमा किचन चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू। Thank you.